आदाब, में सब अनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। और आइए सीधे रुख करते हैं खबरों की तरफ। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुई बोर्ड मीटिंग में मेयर विधान उपाध्याय की जानिब से वर्कर्स की तनख्वाह को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मेयर ने जानकारी देते हुए कहा कि कॉर्पोरेशन के कैजुअल स्टाफ, डेली स्टाफ, काउंसिलर्स और आरसीएच वर्कर्स की तनख्वाह जो बहुत कम थी उसे बढ़ा दिया गया है। वहीं काउंसिलर जीतू सिंह ने कहा कि जो अब तक नहीं हुआ वो आज के बोर्ड मीटिंग में हो गया। मेयर साहब ने वर्कर्स और काउंसिलर की तनख्वाह बढ़ाने का जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा कर दिया। अब 1 अगस्त से सभी को तनख्वाह बढ़ा कर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेयर के इस ऐलान से आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। साथ ही इस मौके पर काउंसलर फलसबी आलिया ने भी इजाफी तनख्वाह के ऐलान पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मेयर समेत वहां मौजूद सभी लोगों के बीच मिठाइयां तकसीम की। देखो आज के मेयर साहब এর অনেকগুলো মিটিংও আছে, বিভিন্ন জায়গায় ওপেনিং আছে, সামনে মহরম আছে, সেই নিয়ে ওনাকে বারবার বুঝতে হবে। জলের ব্যাপার নিয়ে অচিন্ত বাবু এখানে জলের ব্যাপারটা আছে, শ্রীবাস্তব বাবু আছেন, ওনাদের অনুরোধ করব যে জলটা যেন ঠিক মতন হয়, ঠিক মতন যেন প্রত্যেকে খুব ভালো বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, তো মহরমে যেটা হয় তারা যদি টেম্পোরারি যদি 70-80 লক্ষ 1000 টাকা খরচা করে যদি সেইগুলোকে যদি টেম্পোরারি বা কমসে কম অ্যাটোয়াল মোড় থেকে শুরু করে যদি আমাদের এই কর্পোরেশন মোড় পর্যন্ত সেটাকে যদি করে দেওয়া যায় তাহলে ওনাদের যে ভিড় যে এলাকাটা থাকে সেখানে কিন্তু ওনাদের সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে ওনারা খেলা প্রদর্শনী করতে পারবেন, এবং যেখানে মানুষজন আছে ছেলেমেয়েরাও আসে ওনাদের তারা সুবিধা মতন যেতে পারবে, সেটাতে আপনারা একটু বিশেষভাবে মেয়রের সঙ্গে বোর্ড মিটিং শেষ হওয়ার পরেই নিয়ে নেবেন। আমরা বোর্ড মিটিং শুরু করছি প্রথমে আমাদের শোক প্রস্তাবের মধ্যে খান দিয়ে, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকা राजा आज बोर्ड मीटिंग जो हुआ, इस 15 बोर्ड मीटिंग में जो नहीं हुआ वो आज में हो गया। आज हर चेहरे पर खुशी है, हर स्टाफ जो यहाँ काम करता है कैजुअल में उसके चेहरे पर खुशी है। ये खुशी देख के मेयर साहब भी आज इतना खुश हुए, इतना हंसे कि कहने लायक नहीं है। आज हम लोग मेयर साहब को बोलेंगे कि ये घर घर की एक ही आवाज़ है, ये मेयर साहब हमेशा हम लोग के साथ रहें। सैलरी जो बढ़ने का था जो कैजुअल स्टाफ का, वो मेयर साहब ने जो बोला था अपना वादा पूरा कर दिया। अब कब कितना 1 अगस्त से ये बढ़ा हुआ सैलरी मिलेगा, और जो थोड़ी बहुत हमेशा समस्या रहता है पानी का, लाइट का, उसको भी मेयर साहब ठीक कर देंगे, बोले कुछ जल्दी उसको ठीक कर देंगे, यही हुआ है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो 10 साल से ये हमारे बहन बेटी भाई लोग का जो सैलरी नहीं बढ़ रहा था वो मेयर साहब ने बढ़ा दिया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आदमी यही कहता है विधान 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 दा को घर घर में चाहिए। आज क्या लेके आप लोग मिठाई बांट रहे हैं? मिठाई बांट रहे हैं आज हम लोग लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों का जो पेमेंट था काउंसलर लोग का 7300, आज से हम लोग का मतलब इसी महीने से 10,000 हुआ है, इसीलिए हम लोग खुशी में मेयर साहब को हम लोग मिठाई दिए
और अभी मतलब जो भी हम लोग यहाँ पर हैं अभी यहाँ पर बोरो 3 हम लोग जाएंगे। और दूसरी बात, सिर्फ काउंसिलर का नहीं बल्कि टोटल बोरो चेयरमैन, MIC, बोरो चेयरमैन, MIC, हमारे कॉर्पोरेशन में जितने भी स्टाफ है तमाम लोगों का पेमेंट बढ़ा है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, बोरो चेयरमैन को उठाए हम लोग। देखो बोर्ड मीटिंग है, आज के जल रास्ताघाट कॉर्पोरेशन जरा कैजुअल स्टाफ आ तर माइने बाढ़ानो काउंसिलर जो रिमुनारेशन देवा है से खूब नमिनल छो ते आसा जावर कथा चिंता कर ते से रिमुनारेशन बाढ़ानो हलो जे अमृत सेकेंड प्रोजेक्टर बेपार आलोचना हलो जे आपनर महरम आखने জল এবং সাফায়ের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হলো যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় মানুষের এবং আগামী দিনে কিভাবে কর্পোরেশনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায় তার ব্যাপারে মেয়রের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে MIC মিটিংয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তগুলোকে আমরা গৃহীত করে পাস করলাম। আমাদের প্রায় 184টা না বিল্ডিং প্ল্যান আমরা পাস করলাম, রেসিডেন্সিয়াল এবং কিছু কমার্শিয়াল ছিল, কারণ বিল্ডিং প্ল্যানগুলো পাস না হলে শহরের উন্নয়নটা সম্ভব হবে না, সেই সমস্ত চিন্তা করে আমরা পাস করলাম। এবং BSUP-তে বিল্ডিওর ওন হাউসে আমাদের কয়েকজন কাউন্সিলর প্রস্তাব তুলেছিলেন, সেই সমস্তগুলোকে আমরা পাস করলাম এবং সেখানে কিছু কাগজপত্রের খুব বাইন্ডিংসের মধ্যেখানে তাদের মধ্যে ফেলে রেখেছেন, কিন্তু সেই কথাটা সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে আমরা পুনরায় যাতে সেই সমস্ত ঘরগুলো তৈরি হয়ে যায়, কোনো রকম যেন কোনো রকমভাবে মানুষ যেন বঞ্চিত না হয়, সেই সমস্ত নিয়েও সিদ্ধান্ত আমাদের এই BOC-তে হলো। এবং আমাদের কাউন্সিলর এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষজন মারা গেছে। আমাদের কাউন্সিলর আমাদের কাঞ্চন তেওয়ারি মারা গিয়েছেন, দীর্ঘদিন ছাত্র আন্দোলনের থেকে শুরু করে রাজনীতিতে উঠে আসা মানুষ, তার আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা বোর্ড মিটিংটি শুরু করেছিলাম এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বোর্ড মিটিংটি শেষ করলাম। আমাদের পুরো ক্যাজুয়াল স্টাফ, ডেলি স্টাফ, আমাদের কাউন্সিলরদের, RCH যারা আছে সবার, মানে একদম বেতনটা একদম কম ছিল, সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করেছি একটু জায়গায় নিয়ে যেতে, এখন আমরা বাড়িয়েছি এবং আগামী দিনে আরও দেখা যাবে। फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से कल शाम बनपुर शहीद मीनार में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जहां कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अर्जुन अवार्डी कैप्टन भागीरथ समाई, डिप्टी कमांडर संजय कुमार, सूबेदार मेजर शिवराथी सिंह, सेल ISP CGM सुष्मिता रॉय समेत डॉक्टर अमिताभ बासु, अनुपम भट्टाचार्य और अशोक रुद्र खास तौर से मौजूद थे। मैंने विन किया। आंतर्जातिक मानकी खेल में मैंने 1 gold, 2 silver, 3 bronze, 7 shooting diploma मैंने विन किया। आर्मी कटर वो 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 1987 में यानी जेल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। 1988, 89, 90 तीन साल मैंने किंग ऑफ द राइफल भारत के रहा। गोल बनाया था उसको साकार किया, फौज का राशन खाते हुए, फौज का ट्रेनिंग लेते हुए और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स खेल प्राधिकरण से सुविधा को लेते हुए हमने एक बहुत घर गांव का एक आदमी होते हुए भी मैंने सेना में 21 साल मैंने नौकरी किया और 1974 से लेके 1995 तक मैं आर्मी में रहा और ऑनरी कैप्टन से मैंने 8 रैंक लगातार अचीव करते हुए मैं रिटायरमेंट हुआ। ये तो था मेरा कहानी, लेकिन आज बच्चों के लिए और इसी के साथ अब समय आ गया है फिर से ये आज आपने मंटो भेंट देकर थैंक यू यत्न करें।
जोरदार तालियां। इधर 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 देख लो। बहुत परिवार से कोई व्यक्ति इस तरह सम्मानित हो रहे होते तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ असलम खान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सभ्यसाची दत्ता सर को मोमेंटो देके सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज हमें इस प्रोग्राम में बुलाए। इतना सुंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। और सर आप भी मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी उपस्थिति में आपके हाथों से, आप अपने हाथों से सम्मान करें उन वीरों का जो हमारे देश के लिए आन बान और शान है। जोरदार तालियों के साथ कीजिए, मैम सम्मानित कर रही हैं हमारे बीच उपस्थित सूबेदार मेजर शिवराठी सिंह जी को। उनकी पूरी पलटन साथ में खड़ी हो जाएंगी। प्लीज आप खड़े हो सर। जोरदार तालियां। मैं आप सभी को बता दूं कि सर से मेरी मुलाकात पहले दिन जब हुई थी और मैं इधर 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 देख ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना मूल्यवान समय। और अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पुरसर पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहां कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। दांत में हो
रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आएं एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड ऑटो स्टैंड रेल पार आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़ NH19 आसनसोल चितंजन रोड आसनसोल। वक्फे के बाद नजर फिर से खबर पर। मणिपुर में हुए घटना को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक घटना आप खुद भी कभी भूल नहीं पाएंगे। जहां इस हादसे की वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, वहीं आज आसनसोल में भी पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आदिवासी महिला संघ की ओर से मणिपुर में हुई घटना के खिलाफ BNR से SD ऑफिस तक एक रैली निकाली गई। आदिवासी महिला अंजलि हेमरोम ने कहा कि मणिपुर समेत पूरे देश में महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं और खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ जो किया जा रहा है उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आज ये रैली निकाली गई है और SDO को एक अर्जदास्त भी सौंपी गई। রিপোর্টে নেওয়া হয়েছিল যে একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটল মণিপুরে একটা মহিলাদের নিয়ে। এটা শুধু এসটিদের সাঁওতাল সমাজ নিয়ে একদম পুরো বিশ্ব জুড়ে মহিলাদের যে ভারতবর্ষ নিয়ে মানে মহিলা সেটা নিয়ে ঘটনাটা ঘটেছে, তো লজ্জাজনক। আমরা চাইছি অবিলম্বে তাড়াতাড়ি যেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক এই উদ্দেশ্যে রিপোর্টেন। হ্যাঁ, এখানে AGMI-এর কাছে রিপোর্টেন দেওয়া হলো বিয়েনা মোড় থেকে কোর্ট অব্দি। হ্যাঁ, আপনার নাম বলছেন? সোনিয়া টুডু। আমি একজন মহিলা মানে সদস্য। এই যে মণিপুরে যে ঘটনা ঘটছে, এবার শুধু মণিপুরে নয় আরও দিকে দিকে সে সর্ব জায়গাতেই হচ্ছে। মানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মহিলাদের ওপর কেন এরকম হচ্ছে, এবার শুধু মহিলা মানে কি আদিবাসী মহিলার উপরে অত্যাচার হচ্ছে কেন? হ্যাঁ, সরকার এর যেন অতি অবলম্বে আমাদের এটা মানে আমরা দেখতে চাই যে সরকার এটা দাবি আমরা যে দাবি জানাচ্ছি আমাদের দাবিটা তিনি মানছেন। আপনার কি মনে হচ্ছে মহিলারা বেরোচ্ছে রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা ফিল করছে কি না? না, আমার তো মনে হচ্ছে না। অন্যরা কেউ করছে পাচ্ছে, কিন্তু আদিবাসী মহিলারা পাচ্ছে না। কোথায় নিরাপত্তা ফিল হচ্ছে? নিরাপত্তা যদি মনে হচ্ছে বলছে কি করালো আজকে কি করালো? আমরা আজকে ডেপুটেশন জানালাম, কোথা থেকে BCW অফিসারকে দিলাম, মিছিল করলাম BNR রোড থেকে আমাদের ওইখানে
এসডিও অফিস? হুম, এসডিও অফিসে। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম অঞ্জলি হেমব্রম। पश्चिमबंग प्रगतिशील आदिवासी महिला संगठन। खैर, खबरें तो यहीं तक, फिर से खबरों के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।